दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर डीएम व एसएसपी ने की बैठक। गया जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन, एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर की संयुक्त अध्यक्षता में बोधगया स्थित तिब्बतियन मोनेस्ट्री के सभागार में महापावन दलाई लामा के बोधगया में संभावित आगमन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर जिले के वरीय पदाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों ने साथ बैठक की। जिला पदाधिकारी ने बताया कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में महापावन दलाई लामा के आगमन की संभावना है। उन्होंने बताया कि महापावन दलाई लामा के आगमन के दौरान वह कालचक्र मैदान में विभिन्न बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं को प्रवचन टीचिंग का कार्य करवाते हैं। इस स्थिति में कालचक्र मैदान के चारों ओर यातायात व्यवस्था, विधि व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था को संधारित रखना अति आवश्यक है। हमारा कई राउंड ऑफ मीटिंग पहले भी हुआ है। इनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो तिब्बतियन मिनिस्ट्री के लोग हैं, दलाई लामा ट्रस्ट के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि, उन सबके साथ बहुत डिटेल्ड मीटिंग हुआ है। तो सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम रहेगा। अब भी हम लोग वही कालचक्र मैदान का ही पूरा घूम के जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे एक स्थायी थाना और कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, तो हर जगह जो है डिप्लॉयमेंट रहेगा, सीसीटीवी कैमरास रहेंगे, साथ में वॉच टावर्स भी जो है उसका भी प्रोविजन रहेगा, यहाँ पे भी हो चाहे मिनिस्ट्री में हो। इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज भी रहेंगी। अभी भी आपने देखा होगा, कभी भी हमारी पेट्रोलिंग जो है रहती है, लेकिन उस टाइम जो है शिफ्ट वाइज रेगुलर रहेगी। जितने भी लोग जाएंगे वो प्रॉपर फिस्किंग के बाद उनका आइडेंटिफिकेशन, उनको पास निर्गत होंगे, पास चेक होने के बाद ही और उनको प्रॉपर फिस्किंग के बाद ही, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे महाबोधि टेम्पल में हो, सबकी प्रॉपर फिस्किंग के बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहाँ पे रहेगा, तो हर तरीके का जो है सिक्योरिटी का इंतजाम हमारा यहाँ रहेगा। और उम्मीद है कि जो दलाई लामा जी का विजिट है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उससे पहले हम लोग मॉक ड्रिल्स भी करवाएंगे, फोर्स का प्रॉपर ब्रीफिंग भी करेंगे, तो हर तरीके का जो है सिक्योरिटी इंतजाम किया जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ट्रैफिक क्या व्यवस्था की जाएगी? ट्रैफिक प्लान एक बनाया है, अभी डिटेल में डीएसपी ट्रैफिक और एसडीपीओ बोधगया और एसटीओ ने मिलकर एक ट्रैफिक प्लान बनाया है। उसके बारे में भी प्रायर इंटीमेशन जो है दो दिन पहले प्रॉपर जो है मीडिया के माध्यम से पब्लिक को दी जाएगी कि क्या ट्रैफिक प्लान रहेगा, तो उसका प्रॉपर पब्लिकेशन होगा। हाँ देखिए, इसमें 20 ऐप का फोर्स है, हमारा जिला बल है और ट्रैफिक का जो है का फोर्स रहेगा एक्स्ट्रा, तो जो भी जरूरत है उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट हम हर स्तर से जो है ज्वाइंट ऑर्डर डिटेल में निकलेगा, तो डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान के लिए उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन से भी क्या निगरानी की जाएगी? ड्रोन यहाँ नो फ्लाइंग जोन है, लेकिन वीडियोग्राफर रहेंगे, सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, जो भी है हर लोग जो होंगे वो सीसीटीवी की चेक में रहेंगे, तो प्रॉपर निगरानी सब पे हर स्तर से रहेगी।